पता नहीं क्यों, परंतु इतिहासकारों की अरुचि के कारण संतों के जीवन चरित्र और उनका तुल्य सामाजिक योगदान उपेक्षित हो गया। ऐसे ही एक परम योगी थे संत रविदास। भले ही किसी भी कारण से, परंतु उस काल में जाति भेद में उलझे जूझते निराश समाज को धर्म का मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया। लगभग वर्ष 1414 पिता रघु तथा माता कर्मा के पुत्र के रूप में बनारस के पास मांडूर गांव में दुर्भाग्य से जाति भेद के चंगुल में फंसे समाज द्वारा मानी जाने वाली निम्न जाति में उनका जन्म हुआ। माघ पूर्णिमा रविवार के दिन उनका जन्म होने से उनका नाम रविदास रखा गया, जिन्हें बाद में भारत की विभिन्न क्षेत्रों की बोलियों के अनुसार रविदास, रहीदास, रहीदास, रुद्रदास जैसे नामों से जाना गया। उनके जन्म वर्ष, जन्म स्थल, माता पिता के नाम आदि का सटीक आकलन करने में इतिहासकार असमर्थ रहे हैं। उनका जन्मकाल 1376 से 1414 ईस्वी के बीच का माना जाता है। पिताजी रघु व्यवसाय से चमड़े से जूते बनाने का काम करते थे और रविदास अपने पिताजी की सहायता, परंतु उनकी रुचि हमेशा से ही आध्यात्मिकता की ओर रही थी। वे वहाँ आने वाले साधु संतों को बहुत ही कम कीमत पर या कभी कभी बिना कुछ लिए ही उनका काम कर लेते थे और इससे नाराज हो तथा आध्यात्मिकता की ओर रविदास की रुचि से निपटने के लिए पिता ने उनका विवाह 12 वर्ष की आयु में ही लोना नाम की एक कन्या से करवा दिया। परंतु रविदास तो भक्त रविदास थे। प्रभु की भक्ति तथा संतों की ओर उनके व्यवहार में कुछ भी भेद नहीं आया और तब पिताजी ने उनसे तंग आकर उन्हें घर से निकाल दिया और वे तो प्रभु भक्ति के मार्ग पर बिना विचलित हुए जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन वे यात्रा के दौरान काशी में गंगा तट पर स्वामी रामानंद से मिले और जाति भेद की कालिमा से घिरे उस काल में भी दृढ़ता से ब्राह्मण स्वामी रामानंद ने समाज द्वारा मानी हुई निम्न जाति के रविदास को शिष्य के रूप में स्वीकार किया। और यह प्रसंग क्या समाज के हर वर्ग द्वारा समाज समरूपता के लिए दिए गए योगदान का निर्देश नहीं? स्वामी रामानंद के शिष्य संत कबीर भी संत रविदास के समकालीन थे। दोनों ने ही एक दूसरे के परिचय तथा प्रशंसा में कई पद लिखे हैं। गुरु मार्गदर्शन तथा अपने आध्यात्मिक अनुभव के आधार पर संत रविदास जी ने हिंदी, उर्दू, फारसी तथा अनेकों प्रांतीय भाषाओं में लोगों में धार्मिक कथाओं के द्वारा ज्ञान प्रवाहित किया। पंजाब से लेकर दक्षिण भारत के तिरुपति तक यात्रा कर अनेकों विरोधों के बाद भी समाज के हर वर्ग तक उस ज्ञान को पहुँचाया और वे समाज में परमात्मा भक्ति द्वारा लोगों को एक सूत्र में जोड़ने का अथक कार्य करते रहे। उनकी कृतियों में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग, कई प्रदेशों में उनके अनुयायियों की उपस्थिति तथा अनेकों प्रांतों में उनके स्मारक इस बात के प्रमाण है। उनके द्वारा रचे गए 40 पदों को भी पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में भी समाहित किए गए हैं। अत्यंत निर्धनता के साथ जीवन व्यतीत करते हुए भी धन से निर्लिप्तता तथा ईश्वर में ही संपूर्ण लिप्त ऐसे रविदास जी के पास एक दिन एक साधु ने आकर बड़े ही आग्रह के साथ रविदास जी को लोहे को सोने में परिवर्तित करने वाला पारस मणि दिया। चलिए इस रूपक को हम अपार धन भंडार समान सोने की पाट ही मान लेते हैं। और वह धन का स्रोत संत रविदास जी की कुटिया में छोड़ वह साधु चले गए। महीनों के बाद जब वे वापिस लौटे तब उस धन को उसी स्थान और स्थिति में उन्होंने पाया जहां वे रख कर गए थे। लोग रविदास जी की निर्धनता का परिहास उड़ाते हुए चलते, परंतु वे तो कृष्ण के साथ हास्य में व्यस्त थे। चित्तौड़ की झाली रानी मीराबाई सहित उनके कई शिष्यों के धनवान राजघराने से संबंध होने के बाद भी वे अपने परिश्रम से अर्जित लक्ष्मी से ही संतुष्ट थे। अब उनके ज्ञान को दर्शाते कई प्रसंगों में से एक प्रसंग लेते हैं। एक दिन कुछ ब्राह्मण काशी के राजा से संत रविदास के विरोध में दरबार आ पहुंचे और उनके अनुसार रविदास जी का दोष यह था कि वे स्वयं ब्राह्मण न होने के बावजूद जनेऊ धारण करते थे। और कहा जाता है कि तब दरबार में उपस्थित रविदास जी ने अपनी छाती चीर स्वर्ण जनेऊ को सबके सामने विद्यमान किया। इसे चमत्कार ना भी माने तो हम यह तो मान ही सकते हैं कि उन्होंने कही जाने वाली उच्च जाति के ज्ञानी ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में हराकर समाज में यह ज्ञान प्रवाहित किया होगा कि जाति, संप्रदाय तथा धर्म की दीवार मनुष्य ने ही खड़ी कर रखी है, प्रभु के चरणों में उसका कोई स्थान नहीं। जनेऊ पूजा पाठ व प्रभु भक्ति पर सबका समान अधिकार है और यह परम सत्य स्वर्ण काल से विद्यमान है।
अब उनकी अड़िग धर्मनिष्ठा का एक प्रसंग। सदना पीर नाम के एक मुसलमान विद्वान को रविदास जी ने शास्त्रार्थ में हरा दिया था और वह हिंदू धर्म को श्रेष्ठ मान स्वयं हिंदू धर्म स्वीकार रामदास बन गया था। उस सदना पीर से उस समय के क्रूर विदेशी मुसलमान शासक सिकंदर लोधी को संत रविदास के बारे में पता चलने पर उसने उन्हें दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। धन संपत्ति पद सत्ता के प्रलोभनों के बदले उसने रविदास जी को इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा, ताकि उनके सारे अनुयायियों को भी सरलता से इस्लाम में धर्मांतरित कर वह अपना जिहादी लक्ष्य पूरा कर सके। परंतु रविदास जी उसके सारे प्रस्ताव लताड़कर उस सिकंदर लोधी के सामने अड़िक अचल रह दृढ़ स्वर में बोले, वेद धर्म त्यागू नहीं जो गल चले कटार। एक संत से ऐसी निडर निश्चय पूर्ण वाणी सुन आग बबूला हो सिकंदर लोधी ने संत रविदास को कारावास में बंद कर अनेकों यातनाएं देना आरंभ किया और प्रभु ने अपने भक्त की रक्षा के लिए ऐसी लीला रची कि लोधी को हर जगह हर समय रविदास जी ही दिखने लगे। अंततः उसको उन्हें मुक्त करना ही पड़ा। या फिर इस प्रभु लीला का हम ऐसा ही अर्थ ले ले कि प्रजा के विरोध या फिर किसी और कारण सर दबाव में आ उसको संत रविदास को मुक्त करना ही पड़ा। परंतु यह भी क्या ईश्वर लीला नहीं? ऐसी तो इन भक्ति योगी की अनेकों चमत्कारों की कथाएं इतिहास में लेखांकित है। मात्र इसीलिए कि हर कोई उन शक्तियों का अनुभव नहीं कर पाते, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। परंतु यदि चमत्कार को हम ना माने तो भी उस रूपक घटना को अपनी समझ पर तोल उसका गूढ़ार्थ ग्रहण करना इतना कठिन तो नहीं। एक अलौकिक व्यक्तित्व के स्वामी, सरल संसार से निर्लिप्त परंतु संसार उत्थान के लिए हमेशा कार्यरत संत रविदास, परमात्मा जाति संप्रदाय रंग रूप धनी निर्धन से परे है। कर्म से ही मनुष्य की गति होती है ना कि जन्म से। हठधर्मिता और अंधविश्वास का जाल तोड़ समस्त मानव जाति को परमात्मा से मिलने के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए ही संत रविदास पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। क्या आज भी उनकी दी यह शिक्षा उतनी ही प्रासंगिक नहीं?